से है लगभग? लगा था हमारा 60 लाख रुपया। रांची के बकरी बाजार पूजा पंडाल में है और यहाँ पे आपको पूरी तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह से दुर्गा पूजा का सीजन आता है तो कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का ऐतिहासिक बनाने का कोशिश किया जाता है। जी हाँ, अभी हम उसी को लेकर उसका ग्राउंड पे देखने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, और नवरात्रि एक्चुअली स्टार्ट हो गया है तो उसको देखने का प्रयास करेंगे क्या कुछ थीम पे इसको क्रिएट किया गया है। हर एक वर्ष कुछ अलग करने की कोशिश किया जाता है और आज हम लोग यहाँ पे बकरी बाजार पूजा पंडाल पहुँचे हुए हैं। तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ थीम को लेकर आज इस वर्ष पूजा पंडाल को क्रिएट किया गया है। जिस तरह से हमारे पीछे का बैकग्राउंड में आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से बनाया गया है, हालांकि अंदर जाके आपको पूरी तरह से विजुअल को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना दिनों से तैयारियाँ हमें लगी हुई हैं और तमाम लोग ये क्या सोचते हैं और रांचीवासी के लिए इस वर्ष क्या कुछ खास होने वाला है। चलिए हम लोग अंदर जाके कुछ विजुअल को आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, बने रहे देखें। अभी हम लोग बिल्कुल ही पंडाल के अंदर आ चुके हैं, जिस तरह से ये दिख रहा है कहीं ना कहीं एक अलग ही इस बार ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि तमाम वर्ष जिस तरह से हमने विगत 2-4 वर्षों से देख रहे हैं कुछ अलग ही नज़ारा देने का कोशिश कर रहे हैं रांचीवासी। ये जो बकरी बाजार पूजा पंडाल है इसका थीम जो है कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल का लग रहा है, जिस तरह से इसमें क्रिएटिविटियाँ किया जा रहा है। एक बार ये विजुअल को देखने की कोशिश करिए, लगभग में जिस तरह से चारों साइड से इसको घेरा बनाया गया है और अंदर में वहाँ जो है मूर्ति रहता है वहीं अंदर में, और पूजा का जो पंडाल है पंडाल का कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक जो होता है वो लुक देने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, और तमाम लोग इनमें मनोरंजन यानी कि दर्शक जो भी आएंगे उनको देखने को बड़ी ही ऐतिहासिक देखने को मिलेगा, क्योंकि रांची में तमाम जगह पे पूजा पंडाल हमने कवर कर ही लिया है लेकिन यहाँ वाला जिस तरह से हमने देख रहे हैं तो कुछ यूनिक सा लग रहा है। जिस तरह से तैयारियां बिल्कुल ही बहुत जोरों शोरों से है और नवरात्रि बिल्कुल ही स्टार्ट हो चुका है, कुछ लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कब से इन लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं। नमस्कार दादा, कब से तैयारियां चल रही हैं लगभग? और सब बताने का भी कोशिश करते हैं जिस तरह से आप आएंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। ये जो तैयारियां हैं कब से लगभग में चल रही? दो महीना से। क्या थीम पे बनाया जा रहा है? आर्टिस्ट का पता है। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेदिनीपुर से। चलिए, तो कहीं ना कहीं झारखंड में इस तरह का, रांची राजधानी में इस तरह का लुक देना कुछ अलग मैसेज देने जैसा है, क्योंकि इसको एक बार इसका फ्रंट साइड को देखने की कोशिश करिए किस तरह से बनाया गया है, और तमाम लोगों से हम यहाँ के कमेटी मेंबर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लागत है कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा जो पंडाल खड़ा कर सकते हैं तो इसका लागत भी उतना ही बड़ा होगा जिस तरह से हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, और इसको आपको पूरी तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे। और जब ये हम लोग अभी दिन में विजुअल शूट कर रहे हैं लेकिन रात के टाइम जब इसमें एक लाइटिंग सिस्टम जब लगेगा तो कुछ अलग ही थीम क्रिएट होगा। जी हाँ, बने रहे, हमको दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार ये बीच में जो एक बनाया गया है इसको क्या कुछ थीम पे क्रिएट किया जा रहा है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के लोग जो हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे और तमाम लोगों से राय और जानने की कोशिश करेंगे। दादा थोड़ा सा बात करिएगा। नहीं। अच्छा चलिए, इन लोग एक्चुअली बाहर से हैं तो नहीं भी पता चल रहा है, हालांकि हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक बार आप पूरा विजुअल को राउंड ऑफ करने की कोशिश करिए कि किस तरह से इसको बनाया जा रहा है, और रांची में तमाम जगह पे कुछ अलग मतलब यूनिक सा हो, हर एक वर्ष जिस तरह से यहाँ पे कुछ अलग किया जाता है तो इस वर्ष भी ऐसा कुछ हो, ये सोच बकरी बाजार पूजा पंडाल का रहता है हमेशा, और इस बार भी यही कुछ देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष इस्कॉन टेम्पल का थीम बनाया गया था लेकिन इस वर्ष कुछ अलग लग रहा है, तो देखने लायक बात होंगी, और तमाम रांची वासी और तमाम झारखंड वासी के लिए ये एक बड़ी ही ऐतिहासिक सुहनारा पल होगा, क्योंकि जब रांची में आके ये पूजा पंडाल को विजिट करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल का सीन क्रिएट होगा और देखने लायक, और फोटोशूट वगैरह के लिए जो कुछ भी सिस्टम यहाँ पर दिया जाएगा वो कहीं ना कहीं अलग ही होगा। चलिए हम सीधे बात करेंगे कमेटी मेम्बर से और जानने की कोशिश करेंगे कब से और कितना लागत से इसको बनाया जा रहा है, और एक बार पूरा विजुअल को आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, बने रहे। Whoa!
देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह पर मेला का आनंद उठाने के लिए, लोगों को आनंदित करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जगह पर जो खिलौने वगैरह होते हैं लोगों के लिए, यानी कि जो भी लोग आएंगे वो यहाँ पे मेला के आनंद उठा सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पे पूरी तरह से तैयारियाँ चल रही हैं और देखा जा सकता है। अभी हमारे बीच बकरी बाज़ार पूजा पंडाल के सर मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ थीम को लेकर और रांची पब्लिक को क्या कुछ इस तरह का क्रिएटिविटी जो हर एक साल कुछ अलग यूनिक सा बनाने की कोशिश करते हैं, इस वर्ष क्या कुछ खास लेकर रांची के तमाम लोग या तो झारखंड वासी को क्या कुछ संदेश देंगे इस पंडाल को लेकर। सर सबसे पहले नमस्कार। जिस तरह से आप इस पूजा पंडाल को बना रहे हैं कहीं ना कहीं एक अलग ही लग रहा है, क्या कुछ थीम से क्रिएट किया जा रहा है? इसको महाभारत से लिया है हमने। महाभारत से? अच्छा सर, ये जो तैयारियां हैं कब से लगभग आप लोग कर रहे हैं? फिलहाल तो 2 महीने से यहाँ बन रहा है और बाकी वो लोग अपने घर में 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं। 4 मतलब पहले से ही? हाँ, रामनवमी के बाद तैयारी शुरू हो जाती। अच्छा सर, ये रांची हो चाहे तो तमाम झारखंड वासी को ये पूरी तरह से बन कर तैयार कब से हो जाएगा? चतुर्थी को हमारा ओपनिंग है, बुधवार को जी 18/10 चतुर्थी को मेरा 6 बजे पंडाल खोल दिया जाएगा महामहिम राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, चीफ गेस्ट के तौर पर राज्यपाल जी आएंगे ना। और सर इनका लागत किस तरह से है? लागत हमारा 60 लाख रुपये। 60 लाख का? हर एक वर्ष आप कुछ अलग ही इस पूजा पंडाल को बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों सर? सर बकरी बाज़ार 64 साल से पूजा कर रहा है और शहर के हर दर्शनार्थी अगल बगल गांव से जो आते हैं उनका पहला ध्येय रहता है कि हम बकरी बाज़ार की पूजा जरूर देखें, तो हम चाहते हैं कि हम खड़े उतरें, उनको कुछ नया देखने को मिले हमारे यहाँ। अच्छा, तमाम जो लोग हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी कर रहे हैं? नहीं, पब्लिक का क्या गाइडलाइन, जब पब्लिक के लिए तो यही है भाई, लेडीज अपने गहने न पहने, बच्चों के पॉकेट में नाम लिख के दें और अष्टमी नवमी की भीड़ से बचें, यही मेरा गाइडलाइन। प्रशासनिक रूप से कोई इस पंडाल को लेकर? नहीं, पंडाल को लेकर कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। आपका परिचय सर? अशोक चौधरी, अध्यक्ष भारतीय युवक संघ बकरी बाज़ार। जी सर नमस्कार। तो तमाम चीज़ों की जानकारी आपको हमने दे दी है, जिस तरह से ये पंडाल ओपनिंग होगा तो कहीं ना कहीं आप आकर इस बकरी बाज़ार पूजा पंडाल का आनंद ले सकते हैं। हालांकि आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। नमस्कार, जोहर।